उसने देखते देखते एक नया इंट्रोड्यूस हुआ कंपाउंड, वो सेट जिसे हम कहते हैं, नया कंपाउंड आया था। चार जने थे इंडिया में जो करते थे। मैंने अपने पेरेंट्स से, मिडिल क्लास फैमिली से था, पेरेंट्स से जिक्र किया कि ऐसे से नई चीज आई है, नया वेपन आया है। उस टाइम पे रैम्बो मूवी भी आती थी, तो उसमें इंस्पायर हो गए कि नहीं ठीक है, नेशनल्स खेला है, सब चीज़ें करी है, मेडल लिया है, तो क्या पता कि अच्छा कर जाए बच्चा। तो मैंने उस टाइम में 1,00,000 रुपये का आता था, उन्होंने लेकर के दिया मुझे। उसके बाद अपनी बस मेहनत में मैं जुट गया। 2006 आया, मैं सीनियर टीम में इतना सक्षम हो गया कि सीनियर टीम में मैं सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मेडल का सिलसिला जारी हो गया। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल रहा, एशियन चैंपियन में जूनियर एशियन चैंपियन बना। जूनियर की जो भी स्पर्धा थी, जो 3 साल तक मैं जूनियर था, 2006 से लेकर 2009 तक बतेरे इंटरनेशनल खेले, स्कूल नेशनल्स खेले, नेशनल्स खेले, सब में भरपूर मेडल आए। कहते हैं रास्ता थमता है फिर चलता है, रास्ता फिर थमा। 2009 में मैं जैसे जूनियर कैटेगरी से सीनियर कैटेगरी में आया, तो मेरे साथ बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर थे। मैं कहता था मैं तो बच्चा हूँ, ये सारे इतने इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, इनके बीच में कैसे टिकूंगा। 2009 से 2012 तक ऐसे ही टकमगाता रहा, कभी ठीक है ब्रॉन्ज आ रहा है, कभी नेशनल में ठीक है चौथे नंबर पे आ रहा है, इंडिया टीम में सेलेक्ट हो रहे हैं, 8वें नंबर पे हो रहे हैं, 9वें पे हो रहे हैं, 4 में नहीं घुस पा रहे। पर ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और लगा रहा कि नहीं आज नहीं तो कल क्लिक जरूर होगा, दोबारा जरूर उठूंगा, आगे जरूर बढ़ूंगा। 2012 आया, 2012 के बाद एक ऐसा मुकाम आया, एक ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास करियर है, जूनियर्स खत्म हो गया, एजुकेशन पूरी हो गई, अब मैं खुद डगमगा गया कि अब करूँगा क्या। मेरे पास सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि आर्चर ही अच्छा बन सकता हूँ, इसी को प्रोफेशन बनाऊँ और इसमें टोटली इन्वॉल्व हो जाऊँ। उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया कि 2012 से 2013 एक साल मैंने ऐसी मेहनत करी कि 2013 के बाद से मैं सीनियर टीम्स में आने लग गया इंडिया टीम में। 2013 एंड होते होते एशियन चैंपियनशिप में मेरे 3 गोल्ड होते हैं, मैक्सिमम 3 गोल्ड लिए। वर्ल्ड कप में सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज चलता रहा चलता रहा। 2013 में मैंने बहुत से मेडल जीते। फिर एक मुकाम आया 2014 एशियन गेम्स का, जिसमें मेरे गोल्ड और सिल्वर रहे। मुकाम को मैंने थमने नहीं दिया। 2015 में अगेन वर्ल्ड चैंपियन बना, अगेन एशियन चैंपियन बना। 2017 में फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल आया, फिर वर्ल्ड कप में मेडल आया, एशियन गेम्स 2018 आया। 18 आते आते सिल्वर देकर के गया और सारे इवेंट्स में एक भरपूर बहुत बढ़िया इवेंट 2018 मेरे लिए मेरे करियर में रहा। हर इवेंट में मेडल आया और लास्ट 18 जाते जाते आप सबसे मिलाकर भी जा। तो कह सकते हैं कि मेरे लिए जो 12 साल या 18 साल हैं ये देखते देखते हो गए। मैं अभी भी यहाँ पे जब उतरा कार से तो मैं खुद देख रहा था कि मैं ऐसे ही तो था जब आया था मैं भी। तो वही है चीज की कब क्लिक हो जाए हमें पता नहीं, कब आपका बच्चा आगे बढ़ जाए आपको पता नहीं। आपको हौसला देते रहना है और बच्चों को कभी हौसला तोड़ना नहीं है। आप भी कर सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें और हैं जो मेरे को बांध के रखती हैं। सर ने कहा कि अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपने कैसे प्लेयर बन सकते हैं। देखिए मैं बहुत छोटा प्लेयर, मेरे से बड़े बड़े डिग्निटीज जो है आपके आगे हैं, सचिन तेंदुलकर है, सुशील कुमार है, योगेश्वर दत्त है, सारे इतने आइडियल्स हैं, तो उनके जैसा बनिए, उनके नहीं तो मेरे जैसे तो फिर बनी जाएंगे, उनको पकड़ोगे। तो वही है कि टारगेट हमेशा हाई रखिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे ये पालना है और हो गया मेरा। एक बार वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, दोबारा बनेंगे, तिबारा बनेंगे, एक रिकॉर्ड बनाइए वर्ल्ड चैंपियन बनने का। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही कह सकते हैं। कहावतें जैसे कि अब वो बहुत दिनों पहले वो चलती थी, मैं भी बहुत स्कूल टाइम पे सुनता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब वो टाइम नहीं रहा, अब खेलोगे कूदोगे तो सुपर नवाब बनोगे। आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी, अच्छा स्कूल भी मिलेगा, अच्छी एजुकेशन भी मिलेगी।
आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपको चाहिए। आपको अब शोहरत भी है, दौलत भी है, तो प्राइस मनी भी बहुत अच्छी अच्छी होने लगी है। सर ने पूछा मुझसे कि अच्छे प्लेयर बनने की क्या खासियत होती है। मैंने कहा सर मुझे तो मालूम नहीं, मैं अभी तक बना नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए, पर कुछ बातें हैं जो अमल हम प्लेयर्स को करनी चाहिए, शायद अच्छे प्लेयर बनो ना बनो अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे। जिसमें सबसे पहले आता है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बहुत से प्लेयर हम बनने के लिए अपने पेरेंट्स को, हाँ ठीक है आपको कुछ नहीं पता, आपको हमें ही आता है, हम बहुत थक गए, हमें ये है हमें वो है, पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, बहुत गलत चीज़ है ये। पेरेंट्स हैं हमारे, वो उन्होंने ही हमें सिखाया है, आज खड़ा करवाया है, तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सेकंड आता है पेरेंट्स के बाद नंबर आता है कोचिज का। कोचिज एक ऐसी चीज़ है जो पेरेंट्स के बाद नंबर आता है, वही हमें गाइड करते हैं, आगे लेकर के जाते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं कि आपको कहाँ बढ़ना है कैसे। एक आपका पूरा करियर उनके हाथ में होता है, तो रिस्पेक्ट हमेशा कोचिस ही करिए। ये नहीं कि आपके पास एक कोचिस के अंडर हो, उन्होंने नेशनल खेलना सिखाया, नेशनल मेडल आ गए, आपने दूसरे कोच का हाथ थाम लिया कि नहीं है वो तो इंटरनेशनल खेलवाएंगे। अगर किसी ने आपके लिए नेशनल जितवाया है, तो सपोर्ट कराया आपको, तो आपका फर्ज ताउम्र बनता है उनको शुक्रिया अदा करने का, के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहने का। तीसरे नंबर पे आते हैं रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, क्योंकि जो काम कोचेज नहीं कर पाते वो शायद सीनियर्स करते हैं हमारे, क्योंकि कोचेज के अंडर एक पूरी क्लास होती है, 100 जने होते हैं जो उनको काम होता है सबको देखना, लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं उनके पास लिमिटेड आ जाते हैं, आपके उन सीनियर्स के अंडर आ जाते हैं, तो बहुत सी चीजें ऐसी सिखा जाते हैं जो हमें पता नहीं लगता हम सीख रहे हैं पर हमारे में वो आ जाती है, तो रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। तीसरे नंबर पे आता है हमारा टाइम की वैल्यू को समझना। अब टाइम कैसे भाग जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, आपके पास लिमिटेड टाइम है, जैसे कि कहते हैं कि एजुकेशन का हमारे पे मास्टर्स करनी है तो 2 साल है, बैचलर्स करनी है 3 साल है, आर्चरी करनी है तो भी लिमिटेड टाइम है, शादी से पहले कर लो, उसके बाद बीबी नहीं करने देगी। फिर बीबी करने का भी उसका भी एक उपाय है, मेरी शादी हुई है 2 साल से, मैं बस रोज सुबह शाम जी मैम करके अपना आर्चरी के लिए निकल जाता हूँ, तो बच गया हूँ मैं। तो लिमिटेड टाइम है, टाइम की वैल्यू को समझिए। आगे जैसे एशियन गेम्स से 4 साल में एक बार आता है, तो 4 साल बहुत होते हैं, मेहनत कीजिए, वो मुकाम पता नहीं कब आएगा, अभी से लग जाइए, टाइम का पता नहीं कब बीत जाएगा, कब क्या हो जाएगा। 5वें नंबर पे मेरे जो फिलॉसफी है वो है बिलीव योर सेल्फ। अपने ऊपर जब तक विश्वास ही रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये डाउट आ गया कि यार ये होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको पाना है तो आपको सोचना है तो मैं करूंगा ही और ये होगा ही। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपका एरो टेन में नहीं लग सकता। कॉन्फिडेंस आपको सिर्फ आर्चरी में ही नहीं, ऐसे हर फील्ड में आगे बढ़ाएगा अगर आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। कभी भी डबल मत सोचिए कि होगा नहीं होगा, जहां सोचा वो समझिए नहीं होगा, हमेशा हर चीज में पॉजिटिव कि ये चीज होगी ही होगी, तो वो 100% होगी। लास्ट आता है मेक टारगेट एंड अचीव वन बाय वन। अपने टारगेट्स बनाओ और वन बाय वन अचीव करो। अब जैसे इस बच्चे का लिया जाए, हमारा इनका टारगेट अगर पूछा जाए क्या करना है आपको यहाँ पे लाइफ, गलत बात, मैं कह रहा टारगेट्स बनाने हैं, एकदम ही अभिषेक नहीं बन सकते, पहले आपको बनना है कि जो स्टेट चैंपियन है उन भैया जैसा बनना है, फिर आपको पकड़ना है कि नहीं मुझे नेशनल वाले भैया को पकड़ना है, फिर आप पकड़ना है भैया नहीं अब तो मुझे इंटरनेशनल वाले भैया को पकड़ना है, फिर पकड़ना भी वर्ल्ड चैंपियन वाले आप जैसे बनूंगा मैं, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे और पेरेंट्स अगर उनको सपोर्ट करेंगे तो आपके टारगेट्स भी अचीव होते रहेंगे और आपका बच्चा आगे बढ़ता जाएगा, और कभी ऐसा मुकाम भी आएगा कि आपका बच्चा किसी के लिए आइडल बन जाएगा कि उसको देख करके आप दूसरे बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे। छोटी सी चीजें हैं जो ध्यान रखे तो शायद बच्चे में आए, पर इसी के साथ साथ जो पेरेंट्स के लिए है, पेरेंट्स
कि आपसे रिक्वेस्ट भी है, आपको डांटना भी है, और आपको बनवा लीजिए आप, जबरदस्ती भी है आपसे। अगर आप बच्चे को कुछ बनवाना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहला काम है खुद कोच बनना छोड़ दीजिए। सबसे वो होता है कि भैया बच्चा आज टेंडिंग मार रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, नहीं तू ऐसे कर, नहीं तू वैसे कर, नहीं अच्छा तेरा कोच ये वाला ध्यान नहीं दे रहा, तू वो वाला कोच ले, नहीं तू ये कोचिंग फील्ड सेक्टर कोच को ऊपर छोड़ दीजिए और आप बस रिलीफ हो जाइए। आप बस कीजिए कि बच्चा खाए, बच्चा सही टाइम पे सोए, अपनी एजुकेशन पूरी करे, बस अपना ये वाला फैक्टर पूरा कीजिए। गेम के लिए कोचेज हैं, वो कर लेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। सबसे पहली चीज आती है पेरेंट्स के लिए कि वो कोच बनना बिल्कुल छोड़ दें। दूसरे नंबर पे वही चीज मैं कहूँगा कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अच्छा ट्यूटर ढूंढ ढूंढ के निकाल देंगे गलियों में से कि यार ये 3,000 वाला, ये 5,000 वाला, ये तो ज्यादा अच्छा पढ़ाएगा, ये 100% लाएगा। पर कभी ना ये नहीं करेंगे कि यार ये वाला अच्छा कोच है, ये अच्छा सिखाएगा, नहीं यार ये उसकी तो फीस ज्यादा है, नहीं यार तो मैं ही सिखा दूंगा तेरे को, तो तू आ जा, ऐसे प्लेयर नहीं बन पाएंगे। जैसे अच्छे ट्यूटर हैं ऐसे ही अच्छे कोच भी होते हैं। जैसा आप गाइडेंस वो देंगे, उनकी अलग फीलिंग है, उनकी अलग टेक्निक है, तो ऐसे ही जैसे सेम लाइक अ ट्यूटर ट्रीट करिए उनको, रिस्पेक्ट कीजिए उनकी, आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। फिर आ जाता है, अभी दो पॉइंट और है आपके ऊपर, बच्चे को ना खेलने दो, खूब खेलने दो, जो सा गेम करे खेलने दो, जितना गेम करे खेलने दो, अपना बस पढ़ाई थोड़ी सी पूरी करा दी उसके ऊपर छोड़ दीजिए। इसके दो फायदे हैं, पहला वो जो गेमिंग जोन है आजकल, ये मोबाइल में लगे रहते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक उसमें लगे रहते हैं, उससे बच्चा निकलेगा। दूसरा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ सेहत अच्छी रहेगी उसकी, बीमारियों से भी दूर हो जाएगा, सब चीज़ों से दूर हो जाएगा, थोड़े चश्मे भी हट जाएंगे। अगर ग्रास में वॉक करोगे नंगे पैर, सब हट जाएगा ना। तो यही सारे फैक्टर हैं जो बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। एक आ जाता है फर्स्ट डे से, जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बड़े चंचल होते हैं, मतलब कह सकते हैं बच्चे अब तक हो रहे थे, अब तक तो पेरेंट्स भी चंचल होते हैं। फर्स्ट डे से अपने बच्चे में दीपी का बीमारी देख लेते हैं या साइना नेहवाल देख लेते हैं, पर उनके जो पीछे उन्होंने जो टाइम लगाया है वो नहीं देखते। तो फर्स्ट डे में, फर्स्ट नेशनल में उनको गोल्ड मेडल चाहिए और सेकेंड में इंटरनेशनल मेडल चाहिए, ऐसा नहीं होता। जो बच्चा है जॉब भी करता है ना, वो 15 साल की पढ़ाई के बाद करता है, 15 साल वो मेहनत करता है, 15 साल वो एक्सपीरियंस गेन करता है, उसके बाद जा करके एक अच्छा जॉब ले पाता है, और वो जॉब भी आगे तक वो चेंज करता है अपने हाइक पाने के लिए, अपने आप को अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए। तो ऐसे ही कोई भी गेमिंग जॉन है, धीरे धीरे आपको हाइक मिलेगा, धीरे धीरे आप आगे जाएंगे, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। कभी भी जल्दबाजी मत दिखाइए, क्योंकि क्या पता उसकी वो फर्स्ट क्लास की ही अभी चल रही हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10th का रिजल्ट लाके दे, ऐसा नहीं होगा। वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा और उसको स्टेप बाय स्टेप चलने दे। पेरेंट्स खत्म हो गया, पेरेंट्स के लिए बस ये 5 ही बातें हैं, जो अगर वो इन्वॉल्व ये इनिशिएटिव ले लें अपने इसमें, तो बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत से हमारे देश हुए कि संपूर्ण महान कवियों का, महान लोगों का देश रहा है, बहुत सी वो चले गए पर अपनी बातें को छोड़ के गए हैं। तो मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत अमल लाता हूँ, बातों को हर जगह फैलाता हूँ, और बातों में गहराई में जाएं तो बहुत बड़ी बातें हैं। जैसे कि सबसे बड़ी कहावत है हमारे यहाँ, कर्म कर फल की चिंता मत कर, तो वही है कि आप सब मेहनत कीजिए। क्यों पढ़ते हैं कि 10th ही मारना है, आपको गोल्ड मेडल ही लेना है, आप अच्छा स्कोर मारो बस, छोड़ो रिजल्ट आना, इस साल नहीं आएगा, अगले साल आ जाएगा, अगले साल नहीं आ जाएगा, उसके अगले साल आ जाएगा, पर अपना सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता कभी मत करो, फल की चिंता करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जिस व्यक्ति के पास कल्पना नहीं उसके पास पंख नहीं, कहने के लिए सिंपल सी लाइन है, अगर किसी के पास उद्देश्य ही नहीं है करने का कि मुझे ये करना है, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर मैं जाऊँ, मैं क्लास में आके बैठ जाऊँ कि नहीं ठीक है यार क्या करना है, जॉब क्या करनी है, मुझे मालूम भी नहीं है, तो मैं उस राह पे बढ़ूंगा ही नहीं। अब हमें आर्ट्स लेना है, हमें इंजीनियरिंग करनी है, तो हमें मालूम है स्ट्रीम्स कौन कौन सी लेनी है, तो हमेशा अपने लक्ष्य उसी तरह बनाऊँ कि हमें ठीक है हमें कंपाउंड चलाना है, हमें रिकर्व चलाना है, हमें इंडियन राउंड चलाना है, तो उस हिसाब से लक्ष्य बनाओ, टारगेट्स बनाओ और उसको अमल करो।
बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास टाइम नहीं था, क्योंकि आपको दिन में उतना ही टाइम मिलता था जितना एक महान लोगों को उनकी चीजों के लिए मिला है। खेल में हमारा खेल में हारना उतनी बुरी बात नहीं है जितनी बुरी बात हार के डर से कोशिश ना करना है। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे जीतोगे? अगर आप पहले ही सोच के बैठे कि नहीं मैं तो यार हार जाऊंगा, मैं तो छोड़ देता हूँ, तो आप पहले ही हार गए। तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए हर चीज को। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आप पता नहीं कर पाओगे उन चीजों के लिए आप सक्षम हो या नहीं। वो कहते हैं ना कि तैरना सीखना है तो पानी में उतरना होगा, किनारे पे बैठकर तो गोताखोर नहीं बना जाता। तो वही है कि आपको इनिशिएटिव लेना ही है और प्रैक्टिस करनी ही है, तभी आप प्लेयर बनोगे। अदरवाइज खाली बैठे बैठे कुर्सी पे ऐसे बैठे बैठे सर हिलाने से प्लेयर नहीं बनते। ठीक है, मेरी बातें तो बस यही थी, छोटी सी बातें थी जो शायद मैं अपनी जिंदगी में ऐसे अमल लाता हूँ। मैं कुछ और आपको कुछ पूछना हो या मैं लगता हूँ कि मैं सक्षम हूँ उस आपको गाइड करने के लिए, तो आप पूछ सकते हैं। बता सकते सॉरी सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आ जाता हूँ आपके पास। हाँ जी बताइए सर। अच्छा सर का क्वेश्चन है कि नेशनल्स के बाद जब जब कोचिंग मिली है आपको पार्ट, मतलब आगे का कैसे आपको इंस्टीट्यूट मिलते गए, आप कैसे बढ़ते गए? सर बहुत बढ़िया है क्वेश्चन ये। स्टेप बाय स्टेप मिलते गए, जैसे कि मैंने इंडियन राउंड स्टार्ट करा तो मेरे कोचेज थे जो कि सर थे, उन्होंने मुझे गाइड करा कि कैसे करा जाता है। कंपाउंड इंट्रोड्यूस हुआ तो जितने भी मेरे सीनियर्स रहे, क्योंकि कंपाउंड की नॉलेज इतनी किसी को थी नहीं, तो इंटरनेट एक माध्यम था मेरे लिए, और मेरे कोचेस मेरे सीनियर्स जितने भी थे तो मैं कहीं ना कहीं से उनसे थोड़ा सा, ठीक है उनकी रिलीजिंग अच्छी है उनसे वो ले लिया, उनके मेंटल लेवल अच्छा उनसे वो सीख सीख ली। तो ऐसे जितने भी सीनियर्स मेरे इंटायर करियर में रोल अदा करते हैं, मेरे सीनियर्स करते हैं, उनसे मैं कुछ 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 कुछ, क्योंकि हर किसी में खूबियाँ होती है और हर किसी में खामियाँ होती है, तो मैं खूबी चुरा लेता था उनसे कि सर आपकी खूबियाँ ये मैं रख लेता हूँ। तो उनसे मैं सीखता था, स्टेप बाय स्टेप में बढ़ता गया। आगे गवर्नमेंट भी हमारी सपोर्ट करती रही, टाइम टू टाइम जो भी वर्ल्ड चैंपियन रहे उन्होंने भी हमें आकर के सिखाया है। रिसेंटली में जो वर्ल्ड चैंपियन रहे उन्होंने आकर के गाइड करा। अब कहने के लिए 2015 में मैं वर्ल्ड चैंपियन था, 2016 में दूसरे कोई हो गया तो उन्होंने आकर के गाइड करा। इस बात का बुरा और घमंड कभी नहीं करना कि यार मैं किसी उसके पास कुछ खूबी है, तभी 2016 में हम वर्ल्ड चैंपियन बना है, तो हमारा क्या काम है चोरी करना चुपके से। क्वालिटी दी उसमें चुरा ली और अपने पास रख ली, मैं नोट डाउन करके रख लेता था और उनको हर बारी अमल करता था कि हाँ यार ये इसमें ये क्वालिटी है ये रख लो, इसमें ये क्वालिटी है ये रख लो। ऐसे कर करके मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। किताब मेरी आधी हो गई, आधी अभी बाकी है, तो अभी बचा है कि मैं कहीं और से चुरा पाऊँ, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से चुरा के जाऊँ। और किसी को कुछ? ऑल डन। ओलंपिक में कंपाउंड इंट्रोड्यूस होगा कि नहीं, ये चीज का बेसब्री से इंतजार मेरे को है और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इंट्रोड्यूस नहीं होता। बात ये चल रही है 2024 में एक उसके लिए एज अ सैंपल के लिए मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है, और 2028 में 99% ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो मेरे लिए 10 साल मेरे लिए सफिशियंट है और 10 साल तुम्हारे लिए भी सफिशियंट है, दोनों मिलकर के टीम में जाएंगे ओलंपिक में। हाँ जी सर, शेड्यूल कैसा रहता है सर? अब वो ये प्रोफेशनली, हाँ जी, स्कूल टाइम में कैसे रहता था शेड्यूल? ठीक है सर, शेड्यूल दो तरीके के थे सर। जब मैं मॉर्निंग सेशन स्कूल करता था तो मैं इवनिंग के 3 घंटे प्रैक्टिस करता था, जैसे कि मॉर्निंग 6 to 2 अपना स्कूल गया, 2 घंटे आकर के सो गया, 4 to 7 मैंने अपनी प्रैक्टिस सेशन कर दी। 7 के बाद मेरी मम्मी कान पकड़ के बैठा देती थी कि बेटा पढ़ लो, अब 2 घंटे पढ़ाई को भी देता था मैं।
धीरे धीरे जब मैं नेशनल चैंपियन बन गया उसके बाद पेरेंट्स ने थोड़ा सा रिलीव कर दिया, स्कूल ने भी थोड़ा रिलीव कर दिया, मैंने मॉर्निंग सेशन करके इवनिंग सेशन ले लिया। तो क्या होता था, मैं मॉर्निंग सेशन अपना 5:30 से 12 अपना ग्राउंड पे देता था और 6 घंटे मेरे लिए सफिशियंट थे। उसके बाद अपना इवनिंग सेशन में अपना स्कूल में देने के बाद जब छुट्टी होती थी तो फुल डे प्रैक्टिस करता था मॉर्निंग इवनिंग और जाता था। पर अब जो प्रोफेशनली हम इसमें घुस गए हैं अच्छे तरीके से, तो हमारा ये सेशन रहता है कि मॉर्निंग जनरली मेरा सेशन रहता है 6 to 9 प्रैक्टिस रहती है, 9 to 10 जिमिंग सेशन रहता है, कार्डियो रहता है, 10 to 3 टोटली रेस्ट रहता है, 5 घंटे जिसमें मैं कुछ नहीं खाता कुछ नहीं पीता, मैं सिर्फ ब्रंच करता हूँ बहुत हैवी और आकर के सो जाता हूँ। ये यूजुअली रेसलर्स की डाइट है क्योंकि हम सोनीपत में रहते हैं तो रेसलर्स हमारे साथ रहते हैं, तो ये डाइट प्लान बहुत बढ़िया लगा उनका। 3 बजे तक सोते हैं पूरा, 3 बजे के बाद अपना 3:30 बजे फील्ड पे गए, 7 बजे तक प्रैक्टिस करी अपना और उसके बाद अपना आकर के रेस्ट करा अपना, टोटली सो गए। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस जरूरी है उतना रेस्ट जरूरी है, अगर रेस्ट नहीं होगा बच्चे की मसल पुल हो जाएगी, बच्चे में फटीग आ जाएगी, बच्चे में एक्स वाई जेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इंजरी आ सकती है। तो जितना पेरेंट्स के लिए खास तौर पर है कि जितना बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है उतना वो सोए और उतना ही खाए, जितना खाएगा उतना उसके मतलब कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट आएगी बहुत अच्छे स्पीड से। हाँ जी सर, सर सॉरी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी एक बारी खड़े कर दीजिए बच्चे। आए है क्या उम्र है आपके बच्चे? 10। ओके, न्यूट्रिशन में पेरेंट्स का रोल बहुत रहेगा सर। इसमें आप प्रोटीन दीजिए, अभी इसको जिम तो अभी मैं कहूंगा नहीं कि हाइट रुक जाती है इसके, लेकिन इसके जो पुशअप्स वगैरह हैं, हमारा रनिंग फैक्टर वगैरह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। डाइट में इसका स्पेशल ध्यान रखना है क्योंकि अभी बढ़ती बच्चे की उम्र है, जितना आप खिलाओगे और दौड़ाओगे उतनी जल्दी ये टेकअप कर पाएगा। जैसे कि अब कंपाउंड है 60 पाउंड चलाना है, मसल टियर हो जाएगी, ये डेड श्योर है अगर बच्चा कराएगा तो वही कहूंगा कि इसको आप खिलाओ पिलाओ, दूध खूब पिलाओ। यूजुअली दूध हम 1-1 लीटर भी पिलाते हैं, जो रेसलर्स हैं वो जो कहते हैं ना 5-5 लीटर दूध पीते हैं, वो सीरियस बात है कि 5-5 लीटर वो दूध पीते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। तो आपके लिए भी यही है, जैसे छोटे से बच्चा ये है, यूजुअली मैं जनरली लू तो 10th 12th मतलब 10-12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए मिनिमम से मिनिमम आधा किलो दूध उसको देना है, पनीर सेक्शन देना है, नॉन वेज खाता है चिकन देना है, और इसके साथ साथ उसका ये ध्यान रखना है उसका पेट तो नहीं आ रहा, जो पेट आ रहा है तो उसकी रनिंग ज्यादा करवा दो, जितना खाएगा उतना दौड़ो दौड़ने दो, तो उससे क्या होगा कि बिल्ड भी अच्छी बनेगी, बीमारियों से दूर रहेगा और गेम बहुत अच्छा करेगा वो। ठीक है सर। हाँ जी किसके लिए? हाँ यहाँ पे होता है, तो उसके लिए मैंने बताया ना कि 2 चीजें हैं इसमें, फर्स्ट रेस्ट, वहीं पे भी आपकी जैसे हैंड पेन कह रहे हैं यूजुअली आर्चरी में होता है, हाथ में दर्द, शोल्डर्स में दर्द या बैक में दर्द, तो सबसे मेन चीज है अपने बच्चों की हल्के हाथों से मसाज कीजिए। वो आता है वो स्प्रे आता है, ये आता है गोली खिला दो, अभी से अगर इसको मेडिसिन की आदत डाल दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमारे इस लेवल पे आकर के मेडिसिन के लिए टेस्ट होते हैं, नाडा होता है वाडा, हम चाह के भी नहीं ले पाते, तो इसका आपको ध्यान है कुछ नहीं करना। 70% बच्चों के दर्द होगा तो आपका काम है हल्के से हाथों से उसको दबाना, गर्म दूध में हल्दी देकर के जो नुस्खे हैं दादी माँ के वो सबसे बढ़िया है, और प्रॉपर उसको रेस्ट करवाना। अगर ज्यादा उसके दर्द हो रहा है तो उसको 1 दिन या 2 दिन प्रैक्टिस ड्रॉप करवाना और उसको उतना ही लोड देना जितना उसको बेयर हो सके। हैंड पेन तब होता है जब उसको ओवर में प्रैक्टिस करा दी जाए, मसल स्टियर हो जाए तब होता है, तो उस चीज का ध्यान आपको रखना है। डाइट अच्छे रखेंगे तो इन सब चीजों से दूर रहेंगे। किस टाइप का प्रेशर? मैचेस प्रेशर। ये तो आज तक मैं भी सीख रहा हूं कैसे करूं। प्रेशर हैंडल करने के लिए सिर्फ ये है कि आपकी जो लड़ाई होती है या आपका जो स्कोर होता है
वो आपके खुद से है। अगर आपने सामने वाले ओपोनेंट को देख लिया कि नहीं ये अच्छा शूट कर रहा है, ये इसने तो 10 मारा है, इसने तो इसके तो राउंड बहुत ज्यादा आगे है, ये है, तो आप प्रेशर ले लोगे। आपकी जो फाइट होती है वो आपके खुद से है, कोई भी आपको आकर के आपका वो नहीं छेड़।